लुधियाना जिला प्रधान संजय तलवाड़ की ताजपोशी के दौरान पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों पर जाने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग जाते हैं, पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अकाली दल व आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए राजा वड़िंग द्वारा कहा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। ट्रांसपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि अभी भी प्राइवेट बसें जा रही हैं चंडीगढ़। दूसरी तरफ आने वाले नगर निगम चुनावों में उन्होंने कहा लुधियाना में होगा कांग्रेस का कब्जा। और क्या कहना था राजा वड़िंग का, जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। जी किस तरीके तैयारियां चल रही ने नगर निगम दियां, क्योंकि कई कांग्रेसी जड़े हैगे ने वो जा रहे ने दूजी पार्टी आम आदमी पार्टी से लगातार शामिल हो रहे हैं। मोबाइल पूछ करो, बहुत लोग जांदे हुंदे ते बड़े लोग आंदे हुंदे और सानू किसे गल दी कोई परवाह नहीं है। हेलो हेलो, जिन्हें चले जाना है वो जा सकता है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। दूसरी गल, सानू इस गल ना कोई फर्क नहीं पैण वाला। कांग्रेस पार्टी दा असीं आने वाले समय च तुसीं देखोगे अज दा जिहड़ा जोश है, अज दी ताजपोशी ते पहुंचे लोग, जिहड़ा मैं वार्डां दे विच जा के कर रहे हैं प्रोग्राम, उत्थे लोग जोश नाल आ रहे हैं। 101% असीं जिहड़ी दोबारा फिर लुधियाने दा जिहड़ा मेयर है वो कांग्रेस पार्टी का बनावांगे थोड़े सामने। सर ट्रांसपोर्ट नू लैके बड़ा माफिया का नाम दिता जा रहा है, सुखबीर बादल इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया कोई नहीं है। वो ट्रांसपोर्ट माफिया का सीगा कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया काफ़ी तदाद तक। मैं जिहड़ियां एक्सटेंशन सीगियां सुखबीर सिंह बादल होर 60,000 किलोमीटर दियाँ एक्सटेंशन रद्द कीतियां, टाइम टेबल नवे बनाए, इन्हां दियां बसां फड़ फड़ के अंदर दित्तियां। माफिया क्यों नहीं सीगा, पहला क्यों नहीं रेवेन्यू आउंदा सी, बिल्कुल माफिया सीगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी नूं बेनती करनी चाहुंदा, केवल बयानबाजी तक सीमित ना रहो। तुसी कहा कि चंडीगढ़ के बस अड्डियां दे विच हुण बस नहीं बढ़ेगी, प्राइवेट बढ़ रही हैं बसां, रुकी तां है नहीं हजे तक, रोकेगा कौन। तुसी हमेशा हर गल नूं पहलां कह दिंदे हो वी घर घर असीं देंगे आटा, घर घर देंगे 1,000-1,000 रुपया, सो किसी गल ते मुकम्मल मोहर नहीं लाउंदे। मेरी बेनती है कि माफिया है, चल रहा है, कृपा करके उहदे ते रोकथाम लाओ। जे तुसी कहा सी बस स्टैंड चंडीगढ़ दे विच नहीं जाणियां प्राइवेट बसां तां रोको। सर कांग्रेस अपना किसानां दे सर किसानां दे उत्ते लाया सीगा पूरी तरह से कार्रवाई कीता गया, किवें देखदे हो? देखो भाई जीरा जिहड़ा मसला है, अंदोलनकारियां अंदोलन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति नूं हक है आपकी आवाज़ बुलंद करन दा। उहदा तरीका है तुसीं धरना लाओ, एसटीएम दे बाहर लाओ, डीसी दे बाहर लाओ, किसी होर थां ते। हुण जिहड़े हर थां ते भी धरना जिहड़ी गल है उह चंगी गल नहीं है, मैं किसी दे हक च नहीं है। उत्थे जिहड़े विचारे लोगों ने धरना लाया उह किसी ना किसी कारण दुखी होणगे, इस करके धरना लाया। लेकिन हुण कोर्ट ने मानयोग हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर करता, उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपया सरकार हरजाना भरे, सरकार नूं लाओ। हुण अल्टीमेटली जिहड़ा हरजाना लाया उह सरकार कित्थों भरेगी, ते नाले उह धरना चुकावे, नहीं तां कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा, नाल नाल कानूनी लड़ाई भी बनती है। लेकिन मेरी बेनती है पुलिस को प्रशासन कि अंदोलन करने वाले नाल प्यार नाल मोहब्बत नाल धरने नूं चुकाया जाए, तो अंदोलनकारियों मेरी बेनती है कि कानून तो कोई चीज़ हैगी है, सानू हर एक व्यक्ति नूं कानून की पालना करनी चाहिए है। जे मानयोग हाईकोर्ट के हुक्म ने तो उन्होंने थोड़ा मोटा पालना करके, लेकिन सरकार उन्हां भरावां दी तकलीफ नूं जरूर दूर करे, उन्हां दा बंदोबस्त इंतजाम जरूर करे, फैक्ट्री वाले नाल मिल के करे। और बिल्कुल फैक्ट्री दे वी किसे दे बार च बह जाओगे तां इस पंजाब दे विच इंडस्ट्री लगनी बंद हो जाएगी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, सब इंडस्ट्रियां आने वाले समय च बाहर चलिया जाणगियां। इहदा पुख्ता इंतजाम फ्रेंडली एनवायरमेंट इंडस्ट्री नूं लै के आना चाहिए, सरकार नूं इहदे उत्ते तवज्जो देनी चाहिए है, अंदोलनकारियों का भी हक रखन ते फैक्ट्री वालों का भी हक। सर कांग्रेस दे पर बस दे जेड़े मुलाजम हड़ताल ते 2000 पिछले एक हफ्ते तो लगातार पर बस दे मुलाजम हड़ताल 2000 बस जेड़े बंद, अजे तक पन बस ही हड़ताल ते है, सारे पंजाब ने जाना है, इस तो बाद मीडिया ने जाना है, जिवें मीडिया ते भी परचे दे जांदे, तुसीं भी जाना अजे हड़ताल ते, सारी दुनिया ने हड़ताल ते जाना पंजाब।
ਸਰ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 5000% ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ बथेरिया लोग छड़ छड़ के भारत जोड़ो यात्रा हो रही सी गुलाम नबी आजाद चले गए कोई फर्क पिया सो कोई उल्ट नहीं हो रहा ये जरूरी भारत जोड़ो संविधान नु बचाओ है जेड़े कोई गंदियां मच्छियां होंदियां है कोई चली गई तो सानू कोई फर्क नहीं है कैप्टन साहब दा भी नवा नाम ओ नहीं मैं नहीं कैप्टन साहब दा बाबा कोई ना रखिया तू जानबूझ के कैप्टन साहब दे मगर ना पै मेरा कोई रौला नहीं है। एमसी चोना नू लेके घर घर जावांगे कांग्रेस की आपदियां नीतियां तो जाणू कराएगी कांग्रेस ने किए हुए डिवेलपमेंट के कामों नू याद करा के दोबारा फिर लोगों के कोले हाथ जोड़ के वोट मंगा सर लॉ एंड ऑर्डर सर लॉ एंड ऑर्डर लैके किस तरीके देख दो सर बूट बनाने मेरे भरा नु पुछ लिया हर व्यक्ति कह रहा है कि पंजाब के हालात खराब हो चुके सर लगता था कि हालात और बिगड़ सकते सरकार ही बिगाड़ना चाहती है सरकार चाहती है हालात बिगड़न गवर्नर की राज लगे असी इस पंजाब दे विच कायम हुई है जिहड़ी सरकार पंजाब दी है उन्हूं भंबल भूसा पिया समझ ही नहीं आ रही करिए।